उनको क्वेश्चन दिया है, सो दैट द इक्वेशंस x माइनस 2y प्लस 8z प्लस 10 इक्वल टू 0, 3x प्लस y माइनस 4z इक्वल टू 0, 2x प्लस 5y प्लस 6z माइनस 13 इक्वल टू 0 आर कंसिस्टेंट एंड सॉल्व देम। ठीक है, तो पहले हमको इनको कंसिस्टेंट है ये दिखाना है। तो ये देखो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है लेकिन सभी के राइट में 0 दिया है, लेकिन उन्होंने क्या किया जो जो कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी है ना उसको लेफ्ट में पहुँचा दिया है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको नॉन होमोजेनियस की तरह बना देते हैं। तो यहाँ भी जो 10 है इसको राइट में भेज दो, क्या हो जाएगा माइनस का 10, और वहाँ पर 0 है ही, यहाँ पर देखो माइनस 13 है, इसको राइट में भेजोगे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं इस नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को पहले हम ए एक्स इक्वल टू बी के बराबर बना लेते हैं। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स क्या मिलेगा हमको, 1 माइनस 3 माइनस 8 यहाँ से 3 1 माइनस 4 3 1 माइनस 4, यहाँ से 2 5 6 2 5 6, और क्या ये एक्स मैट्रिक्स क्या है, वही मेरे पास वेरिएबल्स एक्स वाई जेड है और बी क्या है, सभी के राइट को क्वांटिटी बनेगा, मतलब -10 0 और 13। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, इनको कंसिस्टेंट दिखाना है तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक पहले निकाल लेते हैं, करने का मतलब इसका रैंक निकाल लेते हैं। ठीक है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का ये सिंबल है, तो कितना मिलेगा ये 1 माइनस 3 माइनस 8 3 1 माइनस 4 2 5 6, और बी के एलिमेंट्स भी लिख लो साथ में -10 0 और 13। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं ऑपरेशन करते हैं, रो टू माइनस थ्री टाइम्स ऑफ रो वन करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या क्या 3 माइनस 3 0, यहाँ पे 1 है, माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 1 मतलब कहीं प्लस 1 प्लस 3 हो जाएगा, तो 3 3 9 प्लस 1 10 हो जाएगा यहाँ पे, और एक माइनस 4 है तो माइनस 4 माइनस प्लस हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ 8 24 मतलब क्या 20 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस के साथ, और क्या यहाँ पे 0 है तो इसको भी करना पड़ेगा क्योंकि हमने ऑपरेशन किया है, तो रूट टू गोज टू मतलब क्या 0 माइनस माइनस प्लस 3 टाइम्स ऑफ 10 मतलब क्या 30 हो जाएगा यहाँ पे सिंपली। ठीक है, अब क्या करते हैं जो हमारे पास रो 3 है उसको रो 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1 करते हैं, तो 2 माइनस 2 यहाँ पे 0, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस 6 कितना हो गया 11, यहाँ पे 16 है, सॉरी यहाँ पे 8 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 माइनस माइनस प्लस 16 6 22 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस होने वाला है तो 13 और 20 इतना हो गया 33 हो गया। ठीक है, तो इतना हो गया। अब क्या करते हैं, हम एक और ऑपरेशन करते हैं, जो हमारे पास रो 2 है उसको क्या करते हैं, रो 2 माइनस का रो 3 कर लेते हैं। ठीक है, जिससे होगा क्या, यहाँ पर 0 0 10 माइनस 11 मतलब यहाँ पर -1 बचेगा, और यहाँ पर -2 और यहाँ पर माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जो हमारे पास रो 3 है उसको क्या रो 3 और क्या प्लस सॉरी माइनस करते हैं ना, प्लस करके माइनस करके प्लस कर लो तो सब कैंसिल होगा ना, प्लस 11 टाइम्स ऑफ रो 2 कर लेते हैं। देखो होगा क्या, यहाँ पे 0 0 यहाँ पे 11 है और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 11 प्लस 11 टाइम्स ऑफ रो 2 का एलिमेंट -1, तो 11 माइनस 11 0, यहाँ पे कितना है 22 माइनस 22 0, 33 माइनस 33 0, तो देखो नीचे के सभी 0 बन गए और पहले रो के अंदर सभी नॉन 0 है, यहाँ पे 1 0 बन चुका है, तो पहले दूसरे को ऑपरेशन करेंगे नहीं क्योंकि हमको 0 बनाना नहीं है, हटाना है। ठीक है, तो हम यही पे रोक देंगे, बोलेंगे क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं 2, तो यही क्या हो गया हमारे पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक हो गया, ये बात क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, ये चारों ऑपरेशन लगाते हैं ए मैट्रिक्स के ऊपर, ए मैट्रिक्स कौन सा है ये वाला, ये क्या ए मैट्रिक्स है, इसी के ऊपर ये चारों ऑपरेशन लगाते हैं, तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, ये पोर्शन मिलने वाला है। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स का पार्ट है, तो हम इसी में देख लेते हैं, आपको अलग से दिखाना तो आप दिखा लेना। ठीक है, अगर नहीं दिखाना तो इस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक 2 बताने के बाद क्या लिख लेना, ऑब्वियसली द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज आल्सो इक्वल टू 2। ठीक है, ये हो गया, क्यों 2 हो गया, क्योंकि देखो इसके अंदर भी हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2 ही है। ठीक है, तो दोनों का रैंक बराबर हो गया, ये किसके बराबर है, रैंक ऑफ ए के बराबर है। ठीक है, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, तो इक्वेशन कैसा हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। तो अब क्या करते हैं, इसके इक्वेशन की बात करते हैं, तो देखो एक बात नोट करो, जो हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स है, अननोन्स या वेरिएबल जिनको आप बोलते हो, वेरिएबल लिख लेते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, वेरिएबल्स वो क्या है, ज़्यादा है रैंक ऑफ ए से, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं 3 है, रैंक ऑफ ए 2 ही आया था, तो ऐसा सिचुएशन में क्या मिलता है हमको, इन इक्वेशंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलते हैं। ठीक है, इसको नोट करो, तो देखो हम क्या करते हैं, पहले इस
लास्ट वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को यूज करके फिर से इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। कहने का मतलब ए एक्स इक्वल टू बी के बराबर लिखते हैं, तो ए क्या मिलेगा हमको, ए मैट्रिक्स मिलेगा हमको वन माइनस थ्री माइनस एट जीरो माइनस वन माइनस टू जीरो जीरो जीरो। एक्स क्या है, वही हमारे पास वेरिएबल्स एक्स वाई जेड। बी क्या है हमारे पास, सभी की राइट को क्वांटिटी माइनस टेन माइनस थ्री जीरो। ठीक है, ये हो गया। आप क्या करते हैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, बस क्या करो, ब्रैकेट ओपन कर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस थ्री वाई माइनस एट जेड इक्वल टू माइनस टेन। एक्स जीरो हो गया तो माइनस वाई माइनस टू जेड इक्वल टू माइनस थ्री, और नीचे तो सभी जीरो है। ठीक है, तो देखो हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलने वाले हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस मिलने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, किसी एक को मान लेते हैं, लेट जेड क्या है, सी के बराबर। लेट जेड इक्वल टू सी, जेड अगर सी के बराबर है तो वाई क्या मिलेगा, माइनस वाई माइनस टू सी इक्वल टू माइनस थ्री। कहने का मतलब माइनस वाई कितने के बराबर मिलेगा, माइनस थ्री प्लस टू सी। तो वाई कितने के बराबर मिला, वाई मिला आपको थ्री माइनस टू सी के बराबर। ठीक है, अब वो वाई और जेड का वैल्यू पहले में पुट करो तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स का वैल्यू, इसको नोट करो। चलो ठीक है, तो एक्स माइनस थ्री वाई की जगह थ्री माइनस टू सी माइनस एट, जेड की जगह सी इक्वल टू टेन। तो कितना मिला, एक्स माइनस का नाइन प्लस सिक्स सी माइनस एट सी इक्वल टू टेन। तो कितना मिल गया यहाँ पे, ये माइनस का टू सी नाइन, इधर उधर गया नाइनटीन बन गया, तो ये नाइनटीन हो गया। तो एक्स कितना मिला हमारे पास, नाइनटीन प्लस टू सी मिला। ठीक है, तो ये मिल गया एक्स का वैल्यू, ये वाई, ये जेड। ठीक है, इनफिनिट सब नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो एक को मानना पड़ेगा। ठीक है, एक बात नोट करो, यहाँ पे माइनस का टेन था ना, तो ये नाइनटीन नहीं होगा, यहाँ पे माइनस टेन प्लस नाइन करोगे तो माइनस का वन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये माइनस वन प्लस टू सी मिलेगा। ठीक है, नोट कर लो।